on education from 1986. Comparison, we will see what is the comparison between 86 and 92. Okay, in between one more was there, that was 1990. So national policy on of education. So first national policy of education was in 1968. I think yesterday you had the class of it. And then the national policy of education of 1986 is most important because major changes was there, and just 1986 revised one is 1992. Okay, तो ज़्यादातर जो changes थे वो 86 में देखने को नज़र आए, तो इसलिए वो ज़्यादा important है. और उसमें कुछ कुछ revision किया गया, कुछ कुछ revision के बाद 1992 का NPE आया. So let's see about national policy of education. तो national policy of education में appointment in 1967, the central government of India appointed a parliamentary committee for the formulation of national policy of education. तो 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया में अपॉइंट किया गया एक पार्लियामेंट्री कमेटी, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी को एक कार्य सौंपा गया टू फॉर्मुलेट अ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. एक पूरे देश के लिए एक पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना, फॉर्मुलेट करना. So hence, as a result of this first national policy of education was formally declared in 1968. तो 67 में वो पार्लियामेंट्री कमिटी बनी और उन्हें कहा गया, एक जिम्मेदारी दी गई कि आप एक पूरे देश के लिए एक पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को फॉर्मुलेट कीजिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को फॉर्मुलेट कीजिए. और देन आफ्टर 1968 में, एक साल के बाद ही, एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई जिसके बारे में शायद आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में. तो हम लोग देख लेते हैं कि एक क्रिस्प 1968 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई उसका कुछ मेन फीचर्स क्या था. तो 68 में जो पॉलिसी आई थी उसका फीचर्स था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों तक का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारत की जो भाषाएं हैं उसका प्रोटेक्शन और प्रमोशन, ऑफिसेज में बाकी जगहों पर पढ़ाया जाए और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज किया जाए, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दो चीज़ें आती हैं इक्वालिटी एंड इक्विटी, तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कही गई. फिर वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन इट मीन्स एक तरह की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा. साइंस एजुकेशन और रिसर्च पर बल दिया गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कहा गया, एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके एजुकेशन की भी बात कही गई, अडल्ट एजुकेशन की भी बात कही गई, और साथ ही साथ एक एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर, एक प्लान तैयार किया गया, जैसे 10+3+2+2 जैसे उस तरह का. फिर 86 में पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एंड इन 1986 NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाज अनाउंस्ड बाय राजीव गांधी ऑन 5th of January 1985. तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को लॉन्च, या हम कह सकते हैं, या अनाउंस किन्होंने किया, तो राजीव गांधी जी ने किया 5th जनवरी 1985 को. इन अप्रैल से मई मंथ के बीच में 1986 में द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन एजुकेशन व्हिच इज कॉमनली नोन एज एनपीई 1986. तो 85 में ये लॉन्च हुआ, या फिर लॉन्च नहीं कह सकते, अनाउंस हुआ ये पर्टिकुलर पॉलिसी, और 86 में इसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया. और 1986 में NPE was approved by the parliament in May 1986. तो ये पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को पार्लियामेंट में, संसद में अप्रूवल मिल गया मई 1986 में. तो इस पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये जो थी, इसे रिव्यू कमिटी भी कहा जा सकता है,
क्योंकि जो 68 में बनी थी तो उसमें कुछ रिफाइनमेंट के बाद ये बना। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज एक्चुअली अ रिव्यू कमिटी। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वॉज इवेल्युएटेड बाई टू कमिटी, नेमली राममूर्ति कमिटी एंड जनार्दन रेड्डी कमिटी। तो ये जब 1986 में बन करके तैयार हो गया, तो इसके बाद इसके रिविजन के लिए कि मतलब वो जो बनी बातें हैं, जो प्रस्तावित बातें हैं, वो कितने हद तक लागू हुई या नहीं लागू हुई हैं, तो उसके रिविजन के लिए, रिव्यू के लिए दो कमेटी बनी। एक कमेटी बनी राममूर्ति कमेटी, जो कि 1990 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और दूसरी कमेटी जनार्दन रेड्डी कमेटी बनी, जो जिन्होंने 1992 में अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी, स्लाइट मॉडिफिकेशन वेयर मेड इन एनपीई 1992। तो जैसे ये दोनों रिकमेंडेशन 1992 में आ गए, सो रिजल्ट ड्यू टू दीज रिव्यू कमिटी, दीज टू रिव्यू कमिटी, जो भी मॉडिफिकेशंस आए उस मॉडिफिकेशन के बाद 1992 में दूसरी शिक्षा नीति आई, या हम कह सकते हैं उसका रिवाइज्ड फॉर्म। सो कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ द टू रिव्यू कमिटी, एनपीई 1986 वॉज रिवाइज्ड इन 1992 विथ एन अडॉप्शन ऑफ टू पारास एंड मॉडिफिकेशन ऑफ 31 पैराग्राफ्स। सो जो 1986 में एजुकेशन का वो रिव्यू कमिटी की जो रिपोर्ट आई थी, तो रिवीजन के बाद 1992 में दो पैराग्राफ ऐड किया गया और 31 पैराग्राफ्स में मॉडिफिकेशन आए। देन व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992? अगेन अ कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैन ऑफ आचार्य राममूर्ति इन मे 1990 to review national policy of education and to make recommendation for its modification. तो 1986 वाली कमिटी के लिए हमने देखा कि दो रिव्यू कमिटी आई थी, एक जनार्दन रेड्डी कमिटी आई थी और एक आचार्य राममूर्ति कमिटी आई थी। तो आचार्य राममूर्ति कमिटी ने भी अपना रिव्यू किया और उसके बाद जो स्लाइट मॉडिफिकेशन आया, उसके बाद 1992 वाला फाइनल नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया। This committee submitted its report in January 1992, which is known as National Program of Action. और Program of Action और Policy में क्या अंतर है? Program of Action जो है वो एक plan है जिसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। तो Review Committee modification करके अपने बातों को कह देती हैं, और तो 1992 में मॉडिफिकेशन के बाद जो आई कमिटी, वो जो आई पॉलिसी, उसका नाम दिया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मतलब पूरे देश में प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो होगा एजुकेशन के सेक्टर में क्या होगा। तो कंपैरेटिवली यह हम लोग देखते हैं 86 और 92 को, दोनों में ये बात कही गई कि रोल ऑफ एजुकेशन जो है उसका क्या यूज़ है, एजुकेशन का क्या रोल है, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, फॉर कल्चरल एसिमिलेशन, फॉर डेमोक्रेसी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। तो 1986 की भी एनपीई और 1992 की भी एनपीई, दोनों में रोल ऑफ एजुकेशन के लिए यही बात ही गई कि एजुकेशन के थ्रू बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के थ्रू कल्चरल एसिमिलेशन हो, एजुकेशन के थ्रू डेमोक्रेसी को शक्ति मिले, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, जो भी हमारे देश की ह्यूमन रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट हो। नेशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट दोनों में ये बात कही गई कि एटलीस्ट 75% ऑफ द करिकुलम शुड बी आइडेंटिकल टू ऑल स्टेट्स। जो भी स्टेट है हमारे देश में, उसमें 75% करिकुलम जो हो वो आइडेंटिकल हो, और 25% वेरिएशन का चांसेस रखा जाए, जो उनके लोकल नीड्स के हिसाब से हो, जो उनके रीजनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दोनों में यही बात कही गई कि पॉलिसी एडवोकेटेड 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो, जो भी विषयों का चयन हो, या फिर जो करिकुलम हो, वो करिकुलम कहाँ से लिया जाए, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से आए। देन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही गई।
कि स्कूलों में जो सभी पढ़ाई होती है वो एक जैसी हो। देन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात कही गई है दोनों में, वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ एससीज, एजुकेशन ऑफ एसटीज, स्पेशल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए कहा गया, एससीज के एजुकेशन के लिए कहा गया, एसटीज के एजुकेशन के लिए कहा गया, स्पेशल एजुकेशन इट मीन्स स्पेशल नीड वाले बच्चों के एजुकेशन के लिए कहा गया, अडल्ट एजुकेशन जो किसी कारणवश अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर उनकी भी पढ़ाई की व्यवस्था हो। तो इसीलिए बहुत सारे जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनका डेवलपमेंट हो। वुमेन एजुकेशन के लिए कहा गया क्या कि इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी एंड वोकेशनल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज वुमेन एजुकेशन के लिए हो, एंड देन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर के भी कोर्सेज हो। जैसे हमारा अभी जो NP 2020 आया है उसमें भी ये बात कही गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECCE। देन एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट SCs। सो दोनों में ये बात कही गई कि डिवीजन इनटू फोर कैटेगरीज, SCs को, SC की जो पॉपुलेशन है उसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रूरल मेल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष, रूरल फीमेल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अर्बन मेल एंड अर्बन फीमेल, और उसके हिसाब से स्टैटिक्स को देखा जाए कि कैसे उनका एजुकेशन हो। स्पेशल स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था की जाए, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज या शेड्यूल कास्ट को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती हैं ताकि वो प्रोत्साहित हों और पढ़ाई में आगे बढ़ें। हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए, अडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात कही गई, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम SC, उनके भी कैटेगरी से भी टीचर्स आए, एनकरेजिंग फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल बाय गिविंग इंसेंटिव्स। तो फैमिली को कुछ इंसेंटिव दे करके, जैसे मिड डे मील हो गया या फिर कुछ पॉकेट मनी भी जो दिया जाता है डिफरेंट सरकार के थ्रू, तो वो क्या है, एक तरह से इंसेंटिव है ताकि फैमिली अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एसटीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए कहा गया कि आश्रम स्कूलों की व्यवस्था की जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, उनके क्षेत्रों में स्कूल बिल्डिंग्स की व्यवस्था की जाए, कंस्ट्रक्शन हो उसका, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, उन्हें उनकी भाषा में पढ़ाया जाए, रिमीडियल कोर्सेज की बात कही गई, रिमीडियल कोर्सेज अगर वो जनरल क्लासरूम के थ्रू नहीं समझ पाते हैं तो फिर उन्हें उस डाउट क्लासेस के थ्रू, रिमीडियल क्लासेस के थ्रू उन्हें पढ़ाई में प्रोत्साहित किया जाए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, जो फॉर्मल सेटअप नहीं है एजुकेशन का पर फिर भी वहां पर उन्हें पढ़ाया जा सकता है, जैसे बालवाड़ीज हो गया, आंगनवाड़ीज हो गया, साक्षरता केंद्र हो गया, तो इस सब के थ्रू एसटीज के लिए भी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, उसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहा गया कि जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, स्पेशल स्कूल विथ हॉस्टल एट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स, जो बहुत कम ही तक हम, मुझे लगता है कि कारगर हो पाया है, कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स के साथ साथ हॉस्टल भी की भी व्यवस्था हो, और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में उनके लिए एक स्कूल हो, उनका एक हॉस्टल हो, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डील विथ स्पेशल चिल्ड्रेन, जो स्पेशल BEd होता है या स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं तो टीचर उसमें ट्रेन किया जाए ताकि वो स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ा सकें। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहने का मतलब कि जो जहाँ एक स्पेशल नीड वाला बच्चा भी सेम क्लासरूम में सेम क्लासरूम सेटअप के साथ सेम टीचर से पढ़ाई कर रहा हो। तो मेन स्ट्रीमिंग की बात करना, जो आगे चल करके अभी अब हम उसके उसे कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करना, तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो बहुत सारी बाधाएं हैं। पहले तो हम देखते हैं कि कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो लेते ही नहीं हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर लेते भी हैं तो उनके पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं जिसके वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं,
या वो स्कूल पहुंच करके भी क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अडल्ट एजुकेशन की बात कही गई, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत सारा बड़ा पॉपुलेशन है जो विभिन्न कारणों से अपने रेगुलर पढ़ाई को नहीं जारी रख पाते हैं। सो टू सॉर्ट आउट दोज इश्यूज, उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं आगे, तो अडल्ट स्कूल्स की व्यवस्था हो। अडल्ट एजुकेशन का मतलब यहाँ 15 से 35 साल का है। सो अडल्ट स्कूल्स की व्यवस्था हो, लाइब्रेरीज की व्यवस्था हो, रेडियो फिल्म्स एंड टीवी प्रोग्राम्स की व्यवस्था हो। आपने शायद अगर स्वदेश मूवी देखी होगी तो वहाँ पर दिखाया गया है अडल्ट एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा। सेंटर्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वैसे सेंटर्स बनाए जाएं जहाँ पर जो वहाँ के अडल्ट हैं जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो रात में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई, इग्नू हो गया, बिहार में बात करें तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, तो ऑल दीज आर डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स। मास एंड ग्रुप लर्निंग मीडिया, सो इस तरह से जो अडल्ट एजुकेशन हो वो कंटिन्यू रह सके। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, दोनों में 1986 और 1992 में, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम है, कुछ पैराग्राफ्स में एडिशन हुआ, कुछ एडिटिंग की गई, कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए गए, बट ऑलमोस्ट जो है वो दोनों सेम है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, तो पहला स्टेज क्या है पढ़ाई का, तो ECCE, ECCE स्टैंड्स फॉर ई फॉर अर्ली, सी फॉर चाइल्डहुड, सी फॉर केयर एंड ई फॉर एजुकेशन। सो ECCE में इसमें बात कही गई कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसीलिए बालवाड़ी या आंगनवाड़ी सरकार की द्वारा चलाई जाती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहने का मतलब यहाँ पर न्यूट्रिशन, हेल्थ से लेकर के सोशल, मेंटल, फिजिकल, मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो न्यूट्रिशन को लेकर के, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसे फंड करती हैं, जैसे WHO आंगनबाड़ी में स्पेशल चॉकलेट्स दे गेट, तो उस चॉकलेट में बहुत सारा विटामिंस या आयरन के चॉकलेट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच चॉकलेट्स होते हैं, सो दे गिव टू देयर चिल्ड्रन ओवर देयर इन दैट लोकेलिटी। तो इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चाइल्ड का, न्यूट्रिशन उनका प्रॉपर हो, हेल्थ उनका प्रॉपर हो, सोशल वे में वो सीख सकें, मेंटल, फिजिकल, मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट। NPE 2020 में भी इस पर खासा जोर दिया गया है, ECCE पर। इसके साथ साथ कहा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कि टू बी इंटीग्रेटेड विथ ICDS, देन व्हाट इज दिस ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ECCE को इंटीग्रेट करना चाहिए किसके साथ, ICDS के साथ। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि ECCE विल बी चाइल्ड ओरिएंटेड, फोकस्ड अराउंड प्ले एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। ECCE में बात कही गई है कि ECCE जो हो वो चाइल्ड ओरिएंटेड हो, और कैसे उन्हें पढ़ाया सिखाया जा सके, तो प्ले वे मेथड से। जैसे अभी जो NPE 2020 में बात कही गई है, ECCE में कहा गया है कि जो भी स्कूल्स अगर सेकेंडरी स्कूल के हैं या लेवल के हैं या हायर सेकेंडरी हैं या प्राइमरी हैं, तो उन्हें एक विशेष व्यवस्था करनी होगी ECCE के लिए, क्योंकि हमारे देश की जो अभी जनसंख्या है उसमें खासा बदलाव होता जा रहा है और इस सेक्टर पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। सो व्हेन द बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इन दैट सिचुएशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो इस पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये उस समय भी सोचा जा चुका था, 1986 और 1992 में भी। ECCE में कहा गया विल ऑल्सो इंक्लूड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। ECCE जो है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन उस पर भी ध्यान दे जो बच्चे वहाँ जाते हैं आंगनबाड़ी में। फिर कहा गया कि ECCE शुड बी टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मोस्ट प्रिविलेज्ड ग्रुप, दिस इंक्लूड्स, तो किन तक ये व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए उसका वर्णन किया गया है कि वेरी पुअर अर्बन स्लम कम्युनिटीज, जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चे क्रेश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या मॉन्टेसरी स्कूल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
तो जो बहुत गरीब हैं, अर्बन स्लम कम्युनिटीज में रहते हैं, इकोलॉजिकली डिप्राइव्ड एरिया वेयर चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू फेच फ्यूअल वाटर एंड डू द हाउस होल्ड वर्क इन द डे टाइम, उन कैटेगरी के बच्चों के लिए जो इकोलॉजिकली डिप्राइव्ड हैं, सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं, और वो बच्चे उन बच्चों को खाने के लिए लकड़ियाँ, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और वो कहीं से उसे ला रहे होते हैं और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं. या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, या ट्राइबल इन द रिमोट एरिया, या उन जगहों के बच्चे जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए खास ईसीसी की व्यवस्था हो. ईसीसी के बाद बच्चे कहाँ पहुँचेंगे? प्राइमरी स्कूल में पहुँचेंगे. तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या बातें कही गई? प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो कहा गया कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. तो 14 साल की उम्र तक यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हो. चाइल्ड सेंटर अप्रोच टू बी अप्लाइड इन स्कूल्स. पढ़ाने की क्या सी व्यवस्था हो? तो चाइल्ड सेंटर्ड हो, लर्नर सेंटर्ड हो. पॉलिसी ऑफ नॉन डिटेंशन एट द प्राइमरी स्टेज, मतलब बच्चों को फेल ना किया जाए, डिटेंट नहीं किया जाए एक ही क्लास में. नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, किसी भी तरह की शारीरिक पनिशमेंट उसे ना दी जाए. स्कूल टाइमिंग एंड वेकेशंस टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स कन्वीनियंस. तो स्कूल की का जो टाइमिंग हो या जो छुट्टियां हो वो एडजस्ट हो बच्चों की कन्वीनियंस के हिसाब से. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात आई 1986 वाले ही एनपीई में. इसमें कहा गया, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लोकल बॉडीज, वॉलेंट्री एजेंसीज एंड इंडिविजुअल शुड बी इन्वॉल्व इन ड्राइव कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया कि मिनिमम कम से कम 2 रूम हो और ब्लैक बोर्ड हो. सो अंडर दिस ड्राइव द प्राइमरी स्कूल्स विल बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल फैसिलिटीज टू मीट द बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ ऑल स्कूल. कम से कम 2 कमरों का स्कूल होना चाहिए. तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का थोड़ा फीचर्स हम लोग देख लें कि मिनिमम नीड्स क्या है किसी स्कूल के लिए. तो 2 लार्ज रूम्स दैट कैन बी यूज इन ऑल वेदर्स, इस तरह का रूम हो जो हर एक वेदर में यूज किया जाए. इट मीन्स नॉट अ कच्चा हाउस, द पक्का हाउस शुड बी देयर. नेसेसरी टॉयज एंड गेम मटेरियल, और ब्लैक बोर्ड होना चाहिए. मैप्स, चार्ट्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स की व्यवस्था हो. टाट पट्टीज इट मीन्स मैट्स, चटाइयाँ बच्चों के लिए, फर्नीचर बच्चों के लिए हो. 2 टीचर, कम से कम 2 शिक्षक हों उस पर्टिकुलर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया, और उनमें से एक विमेन टीचर हो. नॉन फॉर्मल एजुकेशन की भी बात कही गई. पुट इन टू ऑपरेशन इन 1979-80, स्टार्टेड फॉर चिल्ड्रन हु कैनॉट अटेंड फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाइक स्कूल ड्रॉप आउट्स, गर्ल चाइल्ड और वर्किंग चिल्ड्रन. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में उनके लिए तैयार किया गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो किसी न किसी कारणवश रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाए, या फिर जो लड़कियां होती थी उनका जल्दी शादी कर दिया जाता था, जो वर्किंग चिल्ड्रन होते थे घर के रिक्वायरमेंट्स, लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए वो काम करते थे. दिस स्कीम वॉज रीऑर्गेनाइज एंड एक्सपेंडेड इन 87 एंड 88. सो आफ्टर दिस 1986, उन कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सेटअप किया जाए. द स्कीम कवर्स 10 एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स, एंड सैड टू नो और बिहार इज ऑल्सो वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट. आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल. तो ये स्कीम उन 10 राज्यों को कवर करे जो बैकवर्ड स्टेट हो एजुकेशन के मामले में. नॉन फॉर्मल एजुकेशन का क्या फीचर्स था, क्या स्पेशल फीचर्स था? तो यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड एड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इम्प्रूव द लर्निंग एनवायरमेंट ऑफ एनएफई सेंटर्स. मॉडर्न टेक्निक्स की व्यवस्था हो, एड्स की व्यवस्था हो, और इस तरह से एक लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन.
हेल्प टू बी टेकन फ्रॉम डेडिकेटेड टैलेंटेड यंग मेन एंड वुमेन। तो बहुत सारा एनजीओज आप देखते हैं जो काम कर रही होती है इस सेक्टर में, और ये हेल्प, सो हेल्प टू बी टेकन फ्रॉम द डेडिकेटेड एंड टैलेंटेड यंग मेन एंड वुमेन फ्रॉम लोकल कम्युनिटी टू सर्व एज इंस्ट्रक्टर्स इन एनएफई। तो कोई खास डिग्रियों की जरूरत नहीं है, जो टैलेंटेड लोग हैं, यंग मेन और वुमेन हैं, जो अपना इसमें योगदान देना चाहते हैं, वो जाकर इन सेंटर्स पर पढ़ा सकते हैं बच्चों को। स्पेशल फीचर्स में कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कही गई वहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज की भी व्यवस्था हो। एम्फोसिस ऑन लर्निंग रैदर देन टीचिंग, टीचिंग के बदले लर्निंग पर ध्यान दिया जाए, मतलब वो करके सीख रहे हों, उन्हें बस रेस्ट्रिक्शंस में बांध करके नहीं रखा जाए। एनएफई सेंटर शुड बी सुपरवाइज्ड, उनका टाइम टू टाइम सुपरविजन होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी शुड बी देयर, एक टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था हो वहां पर, तो एनजीओज इसमें काम कर रहे होते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर अब हम आते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन में कहा गया वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ तकनीकी शिक्षा दी जाए सेकेंडरी एजुकेशन में ही। तो वोकेशनल एजुकेशन शुड बी टू बी स्टार्टेड एट 12th स्टेज, इट मे ऑल्सो स्टार्ट एट क्लास 8। वोकेशनल एजुकेशन अभी बेसिकली हम लोग 12th के बाद ही सीखते हैं या 12th के बाद ही ऑप्ट करते हैं, तो इसमें कहा गया कि नहीं, 8th स्टैंडर्ड 8 से ही वोकेशनल एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। एक्शन प्लान जो तैयार किया गया उसमें 4 एरिया डिस्क्राइब किए गए, वो 4 एरिया में एक एरिया है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, प्रोग्रामिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वीई प्रोग्राम्स फॉर स्पेशल ग्रुप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एक और बात कही गई जो प्लान्स कहे गए हैं, तो एक एक करके हम प्लान्स को देख लें। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, तो उसमें पहली बात कही गई है जेसीवीई। वॉट इज दिस जेसीवीई? ज्वाइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन का सेटअप हो, एक ज्वाइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन का सेटअप हो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड इट विल बी द एपिक्स बॉडी ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। दूसरी बात, CIVE का सेटअप हो, तो व्हाट इज दिस CIVE? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू बी सेटअप अंडर NCERT टू परफॉर्म रिसर्च डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन फंक्शन। तो साइव का सेंट्रल सेटअप हो, वो भी एक एपेक्स बॉडी के जैसे काम करे और NCERT के अंदर काम करे ताकि वो रिसर्च डेवलपमेंट और इवेल्युएशन फंक्शंस में हेल्प कर सके। SCVE एंड SIVE, एट स्टेट लेवल द स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप द बॉडीज लाइक SCVE। व्हाट इज दिस SCVE? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। SIVE, स्टेट इंस्टीट्यूट, गुड इवनिंग राशि जी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एंड दीज बॉडीज विल कंडक्ट एरिया वोकेशनल सर्वेज। SCVE और SIVE का मेन फंक्शन हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में वोकेशनल सर्वे, वोकेशनल स्टडीज में या वोकेशनल एजुकेशन का वो सर्वे करें कि किस हद तक ये कार्य किया जा रहा है। देन द एक्शन प्लान ऑल्सो gives ensuring force on strengthening of organizations like NCERT, SCERT, RCE and TTTI. Just a minute, excuse me. तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NCERT, SCERT जानते हैं आप,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पेपर वन में इस सबसे आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एब्रीविएशंस को एक्सपैंड करना उसमें आ सकता है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RCE रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, TTTI टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वोकेशनल एजुकेशन में टेक्निकल टीचिंग ही दी जाएगी, तो टेक्निकल टीचर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस सभी चारों ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथनिंग हो। सेकंड एक्शन प्लान कहता है कि प्रोग्रामिंग फॉर वोकेशनल एजुकेशन, तो वोकेशनल एजुकेशन फॉर 8+ स्टूडेंट्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑन अ लिमिटेड स्केल इन डिफरेंट स्टेट बाय स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वोकेशनल एजुकेशन 8+ स्टूडेंट्स के लिए दिया जाए। एंड प्रोग्राम्स लाइक डिप्लोमा इन वोकेशनल सब्जेक्ट, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड डिग्री प्रोग्राम्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड लाइक पॉलिटेक्निक एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। साथ ही साथ कहा गया कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपेंड टू अंडरगो पेड अप्रेंटिसशिप इन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रीज। तो पेड स्टाइपेंड दिया जाए जब उनकी वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। तो करियर गाइडेंस सेल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी सेट अप बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन। और कौन सा करियर ऑप्ट किया जाए किस तरह की वोकेशनल एजुकेशन के बाद, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डायरेक्टरेट का सेटअप हो। थर्ड एक्शन प्लान कहता है प्रोग्राम्स फॉर स्पेशल ग्रुप्स, वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हो स्पेशल ग्रुप्स के लिए हो, जैसे विमेन, ट्राइबल, हैंडीकैप, ये सब कुछ स्पेशल ग्रुप हैं हमारे समाज में, उनके लिए किस तरह की वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई। तो JCVE विल इवॉल्व स्कीम टू इन्वॉल्व पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वोकेशनल एजुकेशन फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू स्पेशल ग्रुप्स। तो JCVE एक स्कीम तैयार करेगी जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग दे इस पर्टिकुलर स्पेशल ग्रुप ऑफ आ सोसाइटी। देन सिलेक्टेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटेक्निक विल स्टार्ट पार्ट टाइम वोकेशनल कोर्सेज फॉर स्पेशल ग्रुप्स। जैसे आप देखते भी होंगे कि पॉलिटेक्निक से कभी कंप्यूटर के लिए कोर्स का निकाला जाता है, कभी टेलरिंग के लिए निकाला जाता है। सो ऑल दीज आर व्हाट वोकेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। देन स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर वुमेन, ट्राइबल, हैंडीकैप एंड अदर वीकल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। फोर्थ एक्शन प्लान में कहा गया प्रिपरेशन फॉर डेवलपमेंट, तो इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन हो जिससे डेवलपमेंट हो। सो अ फेज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड की ऑफिशियल्स इन वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम विल बी अंडरटेकन यूजिंग द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NCERT, RCE एंड SAIV। And for this purpose, a scheme will be formulated by the vocational institutes in accordance with the guidelines given by JCVE. Secondary education में नवोदय विद्यालय की बात कही गई। नवोदय विद्यालय एडमिशन उसमें क्लासिक्स के थ्रू, क्लासिक्स से, एंड द एडमिशन डिपेंड्स ऑन एंट्रेंस टेस्ट। सो मेरिटोरियस रूरल बैकग्राउंड, नवोदय विद्यालय किन के लिए है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था की गई, और जो ग्रामीण क्षेत्र के मेरिट वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाए। 75% ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। नवोदय विद्यालय में 75% सीटों की रिजर्वेशन की गई किसके लिए, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। एंड शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग द 7th 5-year plan। 7th 5-year plan में कहा गया कि ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ये नवोदय विद्यालय की व्यवस्था या एस्टैब्लिशमेंट हो जाए। एक्सपेंस ऑफ दीज स्कूल्स टू बी बोर्न बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंसेस होती है नवोदय विद्यालय की, कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट पे करती है एंड कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है। एजुकेशन एंड बोर्डिंग विल बी फ्री इन दीज स्कूल्स, बच्चे यहाँ रह करके पढ़ते हैं, सो बोर्डिंग की व्यवस्था भी है। 1/3 ऑफ दी स्टूडेंट्स शुड बी गर्ल्स, ये भी बहुत अच्छी बात कही गई कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम का या नवोदय विद्यालय में 1/3 जो पॉपुलेशन हो वो गर्ल्स का हो। रिजर्वेशन SC ST के लिए भी हो,
जैसे 15 सीट्स एंड 7.5 सीट्स फॉर ST, 15 सीट्स फॉर SC आउट ऑफ 100। तो 15% हम कह सकते हैं SC के लिए रिजर्व है, 7.5% जो है वो ST के लिए रिजर्व है, ओके 33% जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, और 75% ओवरऑल जो है वो रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए रिजर्व है। केंद्रीय विद्यालय की भी बात कही गई, केंद्रीय विद्यालय द स्कीम ऑफ केंद्रीय विद्यालय स्टार्टेड इन 63 एंड 64 फॉर केटरिंग द एजुकेशन नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका पूरे देश में ट्रांसफर होता है, और वो अगर किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के स्कूल में जाते हैं और फिर दूसरे साल उनका ट्रांसफर हो जाता है, और तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही बाधित होती है। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था की गई, और 1995 में एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड केंद्रीय विद्यालय संगठन वॉज एस्टैब्लिश टू हैंडल द टास्क ऑफ ओपनिंग एंड मैनेजिंग केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय जो है पूरा एक ऑटोनोमस बॉडी है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और वो हैंडल करती है कि कहाँ कहाँ किस तरह से केंद्रीय विद्यालय हैं, कैसे काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में इस दोनों स्कीम्स में, इस दोनों पॉलिसीज में क्या कहा गया, क्वालिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड गुड इवनिंग आशीष महतो जी एंड वीरेंद्र यादव जी। या हायर एजुकेशन में कहा गया कि क्वालिटेटिव एक्सपेंशन हो इंस्टीट्यूट्स का, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दिया जाए, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की व्यवस्था हो, एक्रीडेशन एंड असेसमेंट की मशीनरी जो है वो सुचारू रूप से काम करे, जैसे NAC हो गई तो वो क्या है, एक्रीडेशन एंड असेसमेंट मशीनरी है, उसका पार्ट है। हायर एजुकेशन में क्वालिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स को लेकर के क्या कहा गया, टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग एफिलिएशन टू न्यू कॉलेजेस, और जो नए कॉलेज खुल रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड हों, और वो क्वालिटी कहाँ से आए, तो उनके गाइडलाइंस के थ्रू आए। फॉर्मुलेट अ स्कीम बाय द UGC टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर इंसेंटिव्स टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो वो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है टू द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, तो जो उनके स्कीम के अंदर आती है। तो अभी हमको लगता है, मुझे लगता है कि विद इन अ वीक 4 or 5 days अगो UGC ने अपनी एक लिस्ट जारी की है फेक कॉलेजेस को लेकर के, कि अगर आप उस कॉलेज के छात्र हैं तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन विल प्रिपेयर कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। दूसरा जो पॉइंट है हायर एजुकेशन का, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो NPE प्रपोज किया गया उस समय कि 500 कॉलेज डेवलप हों, ऑटोनोमस कॉलेज डेवलप हों इन द 7th 5-year plan, एंड ड्यू केयर शुड बी टेकन टू इवॉल्व अ सूटेबल फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्टेटस टू द कॉलेजेस। ऑटोनोमस इट मीन्स मोस्ट ऑफ द एक्शंस विल बी टेकन बाय द कॉलेज इटसेल्फ। सो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन करिकुलम, कोर्सेज ऑफ स्टडीज, सेलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड देयर ओन इवेल्युएशन सिस्टम। देन थर्ड जो फैक्ट है हायर एजुकेशन को लेकर के, रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, इसको बढ़ावा दिया जाए, इस पर बढ़ावा दिया जाए। तो NPE 2020 में भी इसके लिए खासा जोर दिया गया है रिसर्च के लिए। टू सेटअप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन यूनिवर्सिटीज इन फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, वोकेशन, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या डिफरेंस है। हाँ, वोकेशन है जो आपका, आपने जो सीखा, प्रोफेशन जो आप यूज कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन वो अगर वो आपका लाइवलीहुड को सस्टेन करने लगे या हेल्प करने लगे तो वो आपका ऑक्यूपेशन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के दरमियान आप कह सकते हैं कि वोकेशन है, फिर उसका प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं और ऑक्यूपेशन में भी यूज कर सकते हैं। देन हायर एजुकेशन में स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की बात कही गई, सेटिंग अप ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन एट स्टेट लेवल, एंड फंक्शंस आर टू असिस्ट UGC
टू असिस्ट एंड एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन ईच स्टेट। हायर एजुकेशन में जो फिफ्थ पॉइंट है वो एक्रीडेशन एंड असेसमेंट मशीनरी की बात कही गई। एंड गुड इवनिंग वंदना मैम। यूजीसी विल टेक इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश एक्रीडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल एज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ फॉर मेंटेनिंग एंड रेजिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल नैक, सो नैक इज अ नेशनल एक्रीडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। सो यूजीसी विल टेक द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश एक्रीडेशन एज असेसमेंट काउंसिल एज एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर मेंटेनिंग एंड रेजिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। देन AICTE की बात कहेगी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सच काउंसिल शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू लुक फॉर द नीड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो AICTE जैसे जितने भी जो टेक्निकल एजुकेशन वाले कॉलेजेस हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए AICTE से। सो AICTE's अप्रूवल इज नेसेसरी बिफोर सेटिंग अप एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड AICTE ले डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटी विच मस्ट बी मेड अवेलेबल इफ सच अ टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वॉज टू बी सेटअप। तो किसी भी तरह की अगर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सेटअप होना है तो AICTE के थ्रू जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज है दैट मस्ट बी देयर एंड देन ओनली इट विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम AICTE। देन ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात कही गई। ओपन यूनिवर्सिटीज में इग्नू वॉज सेटअप इन 1985, सितंबर 1985, एंड फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन द कंट्री। 46 NOUs and distance educational institutes need affiliation from the concerned university and it should also be recognized by the Directorate of Distance Education. So these were the major recommendations in both comparatively the 1986 National Policy of Education and 1992. A bit we will discuss about the Janardhan Reddy Committee and Acharya Ramamurthy Committee. So let's see. First, Acharya Ramamurthy Committee was established in 1990. So National Policy on Education, so this was a review committee. The implications of National Policy on Education 1986 was evaluated by two committees. In the starting only we have seen these two committees. Thank you ma'am. So these two committees were the Ramamurthy Committee, that is 1990, and Janardhan Reddy Committee, that was 1992. So these two committees reviewed whatever were the recommendations of the 1986, and after that they submitted the report, and accordingly few changes appeared in 1992 National Policy of Education. So as a result of recommendations of these two committees, slight modifications were made in the NPE 1992. So this committee, as it was headed by Ramamurthy, Acharya Ramamurthy, so this, that's why it is also known as the Ramamurthy Committee 1990. So this committee was appointed on 7th of May 1990 and the report was tabled in the parliament on 9th of January 1991. So ye committee jo appoint hui wo 7th May 1990 ko, aur is committee ka report jo hai parliament mein prastut kiya gaya wo January 9 1991 ko. AICTE पेंडेमिक में कितना काम, वो डिपेंड करता है सर। रिकमेंडेशंस जो थे 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी में वो थोड़ा हम थोड़े कुछ ही पॉइंट्स हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही गई,
वेरी वाइटल कॉम्पोनेंट फॉर सिक्योरिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस इन एजुकेशन इज द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम. एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्कूल्स एडेड बाई लोकल बॉडीज हैव टू बी ट्रांसफॉर्म थ्रू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टू जेन्युइन नेबरहुड स्कूल्स. सर, जो ये आप AICTE की बात कर रहे हैं, तो पैंडेमिक में उसका स्टैंडर्ड्स जो चेंज होगा, बिकॉज वी ऑल आर बींग स्ट्रक बाई दिस पैंडेमिक, तो AICTE के भी कुछ स्टैंडर्ड्स में चेंजेस होंगे. चेंजेस इट मीन्स स्लाइट वेरिएशन, बट इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड. In order to achieve this objective, the existing government schools and schools aided by local bodies have to be transformed through quality improvement. तो सभी जगह क्वालिटी एक स्टैंडर्ड की बात हो. Into genuine neighborhood school. तो पूरे देश में एक जैसी समरूप शिक्षा की बात कही गई है. Common school system. Removing disparities in education. तो disparities in education क्या है? तो जो विषमताएं हैं, कहीं किसी जगह एक तरह की शैक्षणिक व्यवस्था है, किसी दूसरे जगह दूसरी तरह की शैक्षणिक व्यवस्था है. तो रूरल एरियाज इन जनरल एंड द ट्राइबल एरियाज इन पर्टिकुलर हैव सफर्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, पर्सनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स लोग बन जाते हैं पर गांव में जाकर के सेवा नहीं देना चाहते. तो सभी सेक्टर्स में कर दिया गया कि रूरल एरियाज में रहना है. तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं, बच्चे हैं, और जो ट्राइबल एरियाज के जो बच्चे हैं, वो दोनों सफर कर रहे हैं. किस रिस्पेक्ट में? रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में. आप स्कूलों की व्यवस्था देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा इश्यूज है. पर्सनल इश्यूज है, इट मींस ना तो लोग भेजना चाहते हैं स्कूल और ना स्कूल में लोग हैं जो उन बच्चों को पढ़ा सकें. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है. Then therefore the need of the hour is planning for an implementation of educational development programs in terms of disintegrated targets, area, community and gender specific activities. और ये need of the hour है, prime requirement है उस समय भी, कि implementation हो educational development programs in terms of disintegrated targets. तो समाज का वो तबका जो education से छूटा रह जा रहा है. हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, वो कहने का मतलब, वो टर्म अभी यूज हो रहा है. उस समय में इसका यूज किया गया था, मेन स्ट्रीमिंग की बात कही गई थी. तो मेन स्ट्रीमिंग को ही अभी हम कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. तो वहां पर विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ द नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी अगर उसी क्लासरूम में पढ़ते हैं जहां पर नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा. हाँ, वो एक अलग क्लास लेना पड़ेगा, उसके भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, टीचर्स को लेकर के, ग्रुप टीचिंग होनी चाहिए वहां पर. जो जहां पर NEP जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही है, तो वहां पर ग्रुप टीचिंग की भी बात आ रही है कि दोनों तरह के टीचर हों, स्पेशल नीड वाले टीचर भी हों और जो जनरल टीचर हैं वो भी हों. क्योंकि कोई टीचर तो सभी कार्य में दक्ष नहीं हो सकता है, और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, तो सभी लेवल्स पे वहां पर फिर पॉइंट्स हैं. आप पढ़िएगा NEP जो 2020 वाला आया है, उसमें दिया हुआ है, स्कूल वाला जो चैप्टर है उसमें. या मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं फिर एक क्लास रखूंगी. देन देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज प्लानिंग फॉर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड टारगेट्स, एरिया, कम्युनिटी एंड जेंडर स्पेसिफिक एक्टिविटी. तो इस तरह से इन सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया जाए और डिस्पैरिटीज जो है एजुकेशन का, वो कम किया जाए. रिकमेंडेशन में कहा गया कि प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन हो. फिर वैल्यू एजुकेशन की बात कही गई, जो अभी तक हम 1986 वाले में नहीं देखे थे, उतना उस पर जोर नहीं दिया गया था. पर जो राममूर्ति की जी को, आचार्य राममूर्ति जी की जो कमिटी आई, उसमें वैल्यू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया. ECEC की बात दोनों में थी. आर्टिकल 45 जो है, मेड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. तो 14 साल की व्यवस्था, एज वाले बच्चों का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो, ये आर्टिकल 45 में कहा गया है. अभी 45A भी आ गया है शायद.
राइट टू एजुकेशन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर इंक्लूजन अमंग द फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए, जो हो चुका है अब. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कहा गया था 1986 में, तो मेकिंग पावर कंसर्निंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, ये बहुत अच्छा स्कीम है. अगर दो रूम की भी व्यवस्था हो जाती है तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के बच्चे वहां जाकर के पढ़ सकते हैं. नवोदय विद्यालय, तो फर्स्ट टू JNB जवाहर नवोदय विद्यालय वॉज एस्टैब्लिश्ड इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र इन 85 and 86. द कमिटी रिकमेंड्स दैट द गवर्नमेंट मे टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स. तो वो कमिटी ने 3 अल्टरनेटिव दिया और कहा कि गवर्नमेंट इस तीनों अल्टरनेटिव में से कोई एक अल्टरनेटिव का यूज करके नवोदय विद्यालयों पर थोड़ा खास ध्यान दें. नो फर्दर नवोदय विद्यालय नीड टू बी ओपन. द एग्जिस्टिंग 261 नवोदय विद्यालय में बी रीस्ट्रक्चर्ड एंड कंटिन्यूड विद प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज. पहला पॉइंट जो अल्टरनेटिव दिया गया उसमें कहा गया कि नए न खोले जाएं, पर जो पुराने 261 नवोदय विद्यालय हैं उन्हें ही रीस्ट्रक्चर किया जाए और एडिक्वेट रिसोर्सेज दे करके उन्हें चालू रखा जाए. ऑल द एग्जिस्टिंग 261 नवोदय विद्यालय मे बी ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफर्ड. थैंक यू नवदीप जी. PPTL शेयर, I'll share separately in that group and the coordinators will share it with you all. Okay. All the PPTs from Ravindranath Tagore and all I will share. So all the existing 261 Navodaya Vidyalayas may be transferred to the state sector for the states to run them as residential centers on the Andhra Pradesh model. And Navodaya Vidyalaya scheme may be transformed into Navodaya Vidyalaya. So, उसको स्कीम को अब नवोदय विद्यालय प्रोग्राम में चेंज किया जाए. नवोदय विद्यालय स्कीम पहले चलता था और अब कहा गया कि नवोदय विद्यालय प्रोग्राम हो ऑफ ब्रॉड बेस्ड टैलेंट नर्चरिंग एंड पेस सेटिंग. रिकमेंडेशंस में कहा गया कि वर्क शुड बी इंटीग्रली लिंक्ड विथ वेरियस सब्जेक्ट्स बोथ एट द लेवल ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रली लिंक्ड सब्जेक्ट का कंटेंट और पेडागोजी. टीचर्स को कंटेंट आता है, पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ाने आता है कंटेंट नहीं है. तो वो एक स्ट्रांग इंटीग्रेशन हो, टीचर्स का कंटेंट भी स्ट्रांग हो और उनका शिक्षण कला भी एक स्टैंडर्ड हो और उसमें एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हो, इंटर रिलेशनशिप हो. तो ये बहुत ही जरूरी है. इवन हम सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि आज के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिन टीचर्स से पढ़ चुके हैं, I feel sometimes that there was no interest in certain subjects. I done my 10th but I was not able to study very properly history. The reason may be either the content of the teacher or the pedagogy of the teacher. And that subject is a very nice subject. Ultimately during my board exams, my whole book turned into a copy. Whatever I used to do the notification of that content matter. So, teacher ऐसे हो कि जिनका content पर भी command हो और उस content के according उनका pedagogy भी strong हो, तभी एक बच्चे में interest develop हो सकता है. मैंने अपना example लिया just to explain. Work experience या SUPW, socially useful productive work. अब मैं जो देख रही हूँ private schools में, तो ये भी एक अलग तरह का चीज होता जा रहा है SUPW, जबकि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है. अच्छी व्यवस्था है, जब हम लोग स्कूल में थे तो SUPW में वृक्षारोपण करवाया जाता था या गार्डन एक एरिया होता था, तो उसका गार्डन का हम लोग सब कुछ पूरे एक साल तक 9th-10th जब तक रहते थे तो हम लोग उसका देखभाल करते थे, प्लांट उगाते थे. और अभी उसे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, बच्चे कुछ पेंटिंग बना करके ला रहे हैं, ठीक है, पर वो सोसाइटी को तो बेनिफिट नहीं कर रहा है. पर हम लोग जो किया करते थे वो एटलीस्ट सोसाइटी को तो बेनिफिट करता था, कुछ प्लांट्स का नंबर बढ़ जाता था. तो ये सब्स्टिट्यूट ना हो, मुझे लगता है कि आज फिर इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है अगर एजुकेशन पॉलिसीज आए तो. रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन, रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, कोई भी बजट जब आए तो उसका 6% जो है एटलीस्ट एजुकेशन के सेक्टर पर खर्च किया जाए
ऑल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ फाइनेंसिंग. जितने भी टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस बिल्कुल है, हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं. सो मिनिमम 6% ऑफ GNP ग्रॉस नेशनल, आई एम नॉट श्योर बट वट एवर, 6% ऑफ GNP शुड बी यूज ऑन एजुकेशन सेक्टर. देन वट इज GNP एंड वट इज GDP? GNP इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर बाई लेबर एंड प्रॉपर्टी सप्लाइड बाई द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. तो एक किसी भी कंट्री के जो लेबर्स हैं वो कितना नेशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एक ईयर में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. GDP इज 6%, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज GDP. थैंक यू राशि. GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसका 6% जो है वो एजुकेशन के सेक्टर पे खर्च किया जाना चाहिए. एंड वेयर एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मॉनिटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट द आचार्य राममूर्ति कमिटी. नाउ लेट्स सी द जनार्दन रेड्डी कमिटी जो 1992 में आई. तो द सेब केब CABE, that is Central Advisory Board of Education, in its meeting held on 8 to 9 March 1991, decided that a CABE committee to be constituted to consider the recommendation of Ramamurthy Committee. तो राममूर्ति कमिटी का फिर जो recommendation आया उसको review करने के लिए जो committee बनी वो जनार्दन रेड्डी committee कहलाती है. और Central Advisory Board of Education Committee was appointed under the chairmanship of Sri Janardhan Reddy Committee, Janardhan Reddy, on 31st of July 1991, and he was Chief Minister of Andhra Pradesh. So, CABE, Janardhan Reddy Committee को हम CABE भी कहते हैं, Central Advisory Board of Education. Purpose क्या था CABE का, Constitution का? टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ NPE. जितने भी NPE में पैरामीटर्स हम लोग देख चुके हैं उसको रिव्यू करना था उन्हें और इम्प्लीमेंट करवाना था. ठीक है. टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द रिपोर्ट ऑफ राममूर्ति कमिटी. कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही गई, हम लोग पहले ही देख चुके हैं. फिर नवोदय विद्यालय के बारे में कहा गया कि कॉन्स्टेंट रिव्यू उसका होना चाहिए टू कीप द स्कीम एट कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल, ensuring the continued validity and reliability of the admission test by periodic evaluation and appropriate modification of admission procedures. क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी भी व्यवस्था होती है कि जहां पर सरकार की कुछ अच्छी योजना हो तो शहर वाले लोग भी गांव पहुंच जाते हैं और फिर जिन्हें उसकी जरूरत है वो नहीं मिलता है. जैसे हिंदी मीडियम वाला मूवी देखे होंगे तो वो राइट टू एजुकेशन एक्ट पर डिपेंडेंट है. तो जब गरीब बच्चों के लिए सीट है वो गरीब को ना मिल करके अमीर बच्चे लेकर के बैठते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि हमेशा टाइम टू टाइम एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए कि ताकि एडमिशन जो हो रहा है वो अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन के थ्रू टेस्ट लेकर के पता करते रहना चाहिए नवोदय विद्यालय में जो बच्चे हैं. फिर ECCE के लिए कहा गया द स्कोप ऑफ आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड नॉट टू बी एनलार्ज्ड. The Anganwari workers should play an expanded role. Anganwari workers के लिए एक expanded role, मतलब उनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाए. For a number of activities such as child care, family welfare, nutrition and health. Then universalization of elementary education. Operation Blackboard being one of the priority strategies of UEE. Use should continue during the 7th plan and an expanded and extended form. Adult and continuing education वो चलता रहे. The dual track approach of promoting simultaneously UEE and adult literacy. Dual track approach, बच्चों का भी पढ़ाई यानी universal elementary education और इधर adult literacy program. Programs of post literacy and continuing education should be planned for neo literates, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है या पढ़ करके सब कुछ भूल चुके हैं. या post programs of post literacy and continuing education should be planned for neo literates, जो नए learners हैं.
तो यहाँ पर भी डुअल प्रोग्राम डुअल ट्रैक अप्रोच की बात कही गई कि प्रोग्राम्स हों पोस्ट लिटरेसी के बाद और नियो लिटरेट्स के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कहा गया कि इट वुड बी नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट अ प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री टू कोप विथ न्यू डिमांड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओपन लर्निंग शुड बी गिवन अटमोस्ट एनकरेजमेंट। तो बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में भी ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो वहां पर भी ओपन लर्निंग की व्यवस्था हो, जैसे NIOS, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम था प्लस टू लेवल पे वोकेशनलाइजेशन, तो यहाँ कहा गया, और वैसे उससे पहले कहा गया कि प्लस एट में होना चाहिए, तो यहाँ नाइन्थ। वेर एवर पॉसिबल द वोकेशनल कोर्सेज मे बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास नाइन ऑल्सो। तो नाइन से भी वोकेशनल कोर्सेज की को स्टार्ट किया जाए। वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम शुड हैव प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू वेरियस सब्जेक्ट। उस वोकेशनल प्रोग्राम में जो भी वो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्हें गेन करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए बात कही गई, उसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी सेटअप। कंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेशलाइज स्टेट लेवल एजुकेशन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? जो बहुत सारे तरह के केसेस को या डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करते हैं, वो है ट्रिब्यूनल। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए, मेकिंग द सिस्टम वर्क हैसल फ्री। एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बिल वॉज पास इन 2010 में एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बिल पास किया गया। रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन में कहा गया कि नीड बेस्ड फाइनेंसिंग, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही फाइनेंस, हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्रायोरिटी एरियाज लाइक UEE, अडल्ट लिटरेसी एंड वोकेशनलाइजेशन। यही तीन फैक्टर है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी एंड वोकेशनलाइजेशन। देन हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन हैज टू बी प्रोग्रेसिवली मेड लार्जली सेल्फ फाइनेंसिंग। तो वो हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में हम चले जाते हैं, तो वहां पर सेल्फ फाइनेंस की बात कही गई है। और फ्री स्ट्रक्चर जो हो वो ऐसा अप्रोप्रिएट हो ताकि नीडी स्टूडेंट्स भी लोन लेकर के पढ़ सकें, एजुकेशनल लोन लेकर के पढ़ सकें। तो ये सब ही कुछ रिकमेंडेशंस थे। हमने कंपैरेटिवली पहले देखा कि 1986 और 1982 में क्या समानताएं थी, और फिर ये जो दो कमिटी आई और इन दो कमिटियों ने क्या क्या उसमें कुछ पैराज को ऐड किया, कुछ एडिट किया, ये सभी आज हम लोग देखें। एक नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स है जो खुद ही एक लंबा टॉपिक है, सो आई विल नीड अनदर क्लास फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।